हेलो, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी बज रहे सुबह के 9:30। मैं हूँ सैन होजे कैलिफोर्निया में और मैं हूँ अदिति के घर। मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ, मैं उसके घर पे इसीलिए हूँ क्योंकि जो मेरा घर है वो मुझे मिलने वाला है एक हफ्ते बाद। तो तब तक के लिए मैं अदिति के घर पे हूँ। अदिति फॉर वॉचिंग, थैंक यू मुझे घर देने के लिए, यहाँ पे मैं आराम से रह रहा हूँ। तो मैंने अमेरिका की धरती के ऊपर अपना कदम रख दिया था कल और आज मेरी पहली सुबह है यहाँ पे। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ यहाँ पे। सो द रीजन फॉर बीइंग इन द यूएस इज कि मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने आया हूँ, एमबीए करने आया हूँ, जो कि है 2 साल के लिए। और मेरा जो कॉलेज है वो है सैन फ्रांसिस्को में, और जो मुझे घर मिलने वाला है वो भी मिलने वाला है मुझे सैन फ्रांसिस्को में ही। तो सैन होजे के अंदर, जो कि सैन फ्रांसिस्को से गाड़ी से जाओगे तो 1 घंटा दूर है, वहां पे मेरी पहली सुबह तो हो चुकी है। अब इस पहली सुबह के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें करनी है जो कि मैं वैसे यूजुअली करता हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम यहाँ बनाने वाले कोल्ड कॉफी, जो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसे बनने वाली। मुझे अदिति ने थोड़ा बहुत आइडिया तो दिया था। हमारे पास ये मशीन है जो कि नेस्प्रेसो मशीन। अरे टूट गई, नहीं अरे नीचे। तो बस ये मशीन है जिसका नाम है नेस्प्रेसो मशीन, और मुझे बताया गया था कि यहाँ के अंदर मुझे मिल जाएंगे कॉफी के पॉड्स। तो इसमें से मैं कॉफी पॉड निकालता हूँ, कौन यही वाला होगा शायद। तो हमें इसे कहीं तो लगाना है, इसके अंदर फिट करना है, खोलना है। अरे ग्रीन लाइट जल रही है इसमें, वो तो ठीक है, लेकिन ये खुलती कहाँ से है? जादू है इसमें, मुझे क्या पता था। फिर हम ऐसे डाला, ओहो ऐसे डलता है, अब समझ आया मुझे ना। ये थोड़ा हैंडी रहेगा अपना, इधर रख देता हूँ। मुझे नहीं पता ये इसके लिए करते हैं यूज की नहीं करते, क्या सीन है, क्या सिस्टम है। अभी यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, चीनी तो मैं पूछना ही भूल गया था इससे कि चीनी कम होती है यार। चीनी किसी ऐसे ऑब्वियस जगह होनी चाहिए, एकदम हैंडी सी ना, कि एकदम निकाले आदमी। तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद और एक नाकाम कोशिश के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि शायद यहाँ पे चीनी है ही नहीं। फाइनली बात हो चुकी है और मुझे पता चल गया है कि चीनी कहाँ पे है। चीनी हमें यहाँ मिलेगी, ये है वाइट जार में चीनी। अबे नीचे कैसे होती है ये? पहले तो अपने आप हो गए थे ऐसे घुटर घुटर। ओ भाई क्या बात है, हमारी कॉफी। एक स्ट्रॉ मिल जाता ना तो मजा आ जाता। वैसे स्ट्रॉ भी होगा क्या इसके पास? फिर से परेशान करूँ क्या फोन करके? अरे स्ट्रॉ मिल गया, ये ना। कॉफी मैंने पी ली है, अब हमारे पास जो अगली टास्क है वो ये है कि हमें एक तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और दूसरा हमें अपना सिम लेना है। सिम का थोड़ा सा अभी बाद में बताऊंगा मैं। तो मैंने बैंक पे फोन किया कि मैं सिर्फ आ सकता हूँ या मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पर इट टर्न्स आउट कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और आज अपॉइंटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो सारा फुली बुक्ड है और आज होता भी सिर्फ 2 बजे तक ही है। तो वो कह रहे मंडे का ले लो, पर मंडे को मेरा कॉलेज है तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या सिस्टम है। तो मुझे पता भी नहीं है मैं फ्री कितने बजे होऊंगा, तो अभी के लिए तो बैंक अकाउंट वाला काम नहीं हो पाया है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरा 10 मिनट का वॉक है। मुझे किसी एक ट्रेन स्टेशन तक जाना है जहाँ से मुझे एक तरीके की ट्रेन लेनी है और फिर उसके बाद चेंज करके मेरे को बार्ट लेना है, जो बे एरिया रैपिड ट्रांजिट है इनका, जिससे मैं सैन होजे से सैन फ्रांसिस्को तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन यार यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे अलावा कोई नहीं चल रहा, बस गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तो मुझे नहीं पता कि कितना सेफ है कि मैं फ़ोन निकाल के ब्लॉग कर लूँ, क्या कर लूँ। मतलब वैसे तो मैंने सुना सेफ है, लेकिन मैंने सुना सेफ नहीं भी है, तो अब कुछ पता नहीं है। अब देखो मैं तो चल रहा हूँ, बाकी तो देखा जाएगा कि मैं कैसे पहुँच पाता हूँ। पहले मैंने लाइट रेल ली थी और अब मैंने ये बार्ट ले लिया है, इसका कार्ड बनवा लिया है, तो अब मैं जा सकता हूँ यहाँ से सीधा सैन फ्रांसिस्को। मुझे 1 घंटा लगेगा इस ट्रेन में। मैं इनके बार्ट के स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक आंटी है, दोनों प्लेटफॉर्म मिला के एक आंटी है एक मैं, बस। या तो आज सैटरडे है शायद इसलिए खाली है। मैं एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को जा क्यों रहा हूँ? तो सीन ऐसा है कि मेरा जो कॉलेज है वो सैन फ्रांसिस्को में है, घर मेरे पास वहाँ पे है नहीं अभी, लेकिन मेरा जो एमबीए प्री टर्म है जो 3 दिन का है वो 14, 15, 16 है और फिर एक ओरिएंटेशन है 18, तो मुझे 4 दिन यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं आज पहले ही जा रहा हूँ ताकि जब मेरे को मंडे को एक्चुअली जाना हो तब ना मेरा टाइम लगे, ना मेरा फिगर आउट करने में और ज़्यादा दिमाग लगे या टाइम लगे, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ ताकि मैं अभी एक बार देख लूँ कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता कैसा है और मुझे कैसे जाना है। I've made it to San Francisco downtown area. यहीं पे ही मेरा घर होगा डाउनटाउन के पास ही, और यहीं मेरा कॉलेज है डाउनटाउन के एग्जैक्ट एकदम अंदर। अब मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ऐसे फोन लेके हाथ में बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा कहानियां सुनी है कि डाउनटाउन एरिया इतना सेफ नहीं है, ऐसे चोरी चकारी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अभी जो दोपहर का टाइम है तब मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ सीन होने वाला है, पर मैं तो अभी कर ही रहा हूँ। बट एनी वे यहाँ पे आके तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे ही मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन से ऊपर आया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक कम्प्लीट नई दुनिया में आ चुका हूँ। जो सैन होजे था और वर्सेज ये, एकदम कम्प्लीट डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब मजाक से हटके मुझे बहुत ही बढ़िया फील आ रही है। एक तो मौसम इतना अच्छा है, धूप आ रही है लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा मौसम है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम हिल स्टेशन पे हैं किसी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं, मतलब दिसंबर जनवरी में नहीं गए हम, ऐसे अक्टूबर टाइप गए हिल स्टेशन पे, ठंडा ठंडा मौसम है एकदम, बहुत बढ़िया फील आ रही है, मजा आ रहा है। मेरे पीछे मेरा कॉलेज है,
इसके एक्चुअली दो कैंपस है, एक डाउनटाउन कैंपस जो यहाँ है और एक मेन कैंपस। तो मेरी जो क्लासेस हुआ करेंगी वो ऐसे डाउनटाउन कैंपस में हुआ करेंगी, लेकिन मेरे पास मेन कैंपस भी है जिसमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं, स्विमिंग पूल, जिम विम, वो सब बातें, ये सब बातें। वहाँ बैचलर्स होता है मेन, मैं तो MBA वाला आया हूँ मास्टर्स के लिए। तो मैंने देख लिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ तक आना, बस टाइम ज़्यादा लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं, तो टाइम से निकलना पड़ेगा ताकि मैं इन 4 दिनों में टाइम से पहुँच पाऊँ और अपना यहाँ पे जो भी मेरा प्री टर्म वगैरह है, ओरिएंटेशन वगैरह, वो सब अटेंड कर पाऊँ। बट बेसिकली काफ़ी बढ़िया फील आई है मुझे यहाँ पे आके, तो मुझे तो एकदम मतलब मैं अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ रहना, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे तो मुझे बचपन से आना था, मेरा मन तो बहुत था यहाँ पे शुरू से ही आने का, लेकिन अब यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे तो ये सच में पसंद आ रहा है। सीन ऐसा है कि मेरा जो डाउनटाउन वाला कैंपस है जहाँ मेरी क्लासेज होंगी वो मेरे जस्ट पीछे है वहाँ पे, और उससे सीधी एक रोड जा रही है जो बहुत पास है, और वहाँ से जो व्यू है वो बहुत बढ़िया है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ देखने की वहाँ पे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे व्यू है, ये बिल्कुल भी कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे रिक्शा भी चलती है, ये देखो, ये भी काफी फेमस कोई आर्ट वर्क है या पता नहीं क्या है, मुझे वैसे सच में नहीं पता, पर मैंने कोई तो वीडियो में देखा था कि ये काफी फेमस चीज है, मतलब यहाँ लोग आते फोटो वोटो खिंचवाते हैं, पर मुझे पता नहीं है तो मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं इसमें। एकदम आराम से घूम रहा हूँ मैं, अभी 4 बज रहे हैं। अब लोग ना धीरे धीरे और आ रहे हैं, पहले एकदम खाली खाली सड़कें थी ना, अब फिर भी भर गया है, अब लोग चल रहे हैं इधर उधर, थोड़ी चहल पहल हो गई है। मैं अभी यूनियन स्क्वायर में गया हूँ, यहाँ पे सब दुकानें दुकानें खाने की जगहें हैं। अभी मैं चिपोटले में हूँ, मैंने चिपोटले का काफ़ी नाम सुना था कि स्पाइसी होता है और थोड़ा सा अच्छा होता है, तो मैंने लिया है एक बरीटो जो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं मैं ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और साथ में कोका कोला, अच्छा खासा भरा हुआ है, मतलब पूरा कोई कमी नहीं है, बढ़िया है, मज़ा आया मुझे खा के। फिर से सारी ट्रेन बदल के अब मैं आ चुका हूँ वापस सैन होज़े, मैं वॉक कर रहा हूँ अपार्टमेंट की तरफ। जो हमारा मिशन था वो तो सक्सेसफुल हो गया, मिशन यही था कि हमें बस जाके देखना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कि मैं यहाँ से कॉलेज कैसे जाऊँगा, तो वो मिशन है सक्सेसफुल। यार मैंने ना सुना था कि सैन होज़े में ना बड़े सारे इंडियन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे तो सच में बड़े सारे इंडियन हैं। पार्क में आंटियाँ वॉक कर रही हैं, सारे रेस्टोरेंट इंडियन से भरे हुए हैं।